ए प्लस ए की मुलाकात ने सपा की ताकत को कर दिया दोगुना। अखिलेश अरविंद की मुलाकात ने काट दिया गदर। नया सियासी इतिहास लिखेगा ये नया सियासी दोस्ताना। विरोधियों को साफ करने के लिए साइकिल पर सवार हुई झाड़ू वाली सरकार। आपका मिलेगा साथ तो फिर दिल्ली दरबार में बढ़ेगी सपा की धाक। तैयार किया है ऐसा समीकरण जो कर देगा सबकी बत्ती गुल। उत्तर प्रदेश की सियासत में ए प्लस ए की मुलाकात ने गदर काट दिया है। सत्ताधारियों की हालत पतली है और अन्य विरोधियों की सिट्टी पिट्टी गुम है और वजह यूपी की नई सियासी दोस्ती। दिल्ली दरबार में बढ़त बनाने के लिए अखिलेश यादव लगातार मजबूती जुटाने में लगे हैं और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात ने हंगामा मचा दिया है। विरोधियों का सफाया करने के लिए जैसे ही अखिलेश ने झाड़ू वालों से हाथ मिलाया वैसे ही सत्ताधारियों से लेकर विरोधियों के खेमे में खलबली देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव पहले से ही तीसरे मोर्चे को हवा दे रहे हैं लेकिन इस हवा को तब हवा और मिली जब दिल्ली से चलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेकर लखनऊ पहुंच गए और उसके बाद जब तस्वीरें और मुलाकात का मकसद सामने आया तो फिर हंगामा बरपना तय था। 2024 में मजबूती हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ अहम फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव खास रणनीति बनाने में लगे हैं और रणनीति कितनी कारगर साबित होगी इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं और हर किसी का सवाल है कि आखिर मुलाकात में तय क्या हुआ। तो हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात कई मायनों में अहम है। इसके जरिए जहां केजरीवाल दिल्ली में अधिकारियों के तबादले को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करना चाहते हैं तो वहीं अखिलेश यादव भी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी से लड़ाई में उनकी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जाहिर है कि अगर यह अध्यादेश राज्यसभा में गिर गया तो विपक्ष को यह वैज्ञानिक संदेश की बीजेपी अपराजय नहीं है जनता को देने का मौका मिलेगा। अगर कम मतों के अंतर से भी यह विधेयक राज्यसभा में पास होता है तो भी विपक्ष के रणनीतिकार मानते हैं कि वे यह संदेश देने में सफल होंगे कि अपनी एकता को मजबूत कर बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव समेत विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के अन्य नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। यूपी में बीजेपी के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, इसीलिए इस लड़ाई में उन्होंने सपा अध्यक्ष से भी समर्थन मांगा है। सूत्रों के मुताबिक पटना में विपक्षी नेताओं की जो बैठक निकट भविष्य में होने जा रही है उस लिहाज से भी यह मुलाकात अहम है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी और सपा के बीच शीर्ष नेतृत्व का शामिल होना तय है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की संयुक्त रणनीति बनाने की दिशा की ओर बढ़ा जाएगा। जाहिर है कि एक साथ बैठक से पहले प्रमुख विपक्षी नेताओं का इस तरह से मिलना उस अभियान को मजबूती दे सकता है। इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अलग अलग राज्यों में जाकर नेताओं से मिल रहे हैं ताकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कड़ी चुनौती दी जा सके। अब इस लक्ष्य में ये क्षेत्रीय शक्तियां कितना सफल होती हैं ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस मुलाकात और इस मुलाकात के बाद निकली तस्वीरों ने हंगामा काट दिया है। किसी के सियासी घर में कोहराम मचा है तो कोई सन्नाटे का शिकार है।